29/6/2007 का। उन्नीस सौ सड़सठ की प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं। रूहानी बच्चे तो ये जान चुके हैं कि ऊंचते ऊंच भगवान है। मनुष्य गाते हैं और तुम उनको देखते हो दिव्य दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से भी देखते हो और बुद्धि से भी जानते हो कि वो हमको पढ़ाए रही है। आत्मा ही पढ़ाती है शरीर से, सब कुछ आत्मा ही करती है, शरीर द्वारा करती है। शरीर विनाशी है, आत्मा विनाशी है। शरीर को धारण करके आत्मा पार्ट बजाती है और आत्मा में पूरा पार्ट भरा हुआ है। 84 जन्मों की भी आत्मा मिनूद है, तो आत्मा अविनाशी है, पार्ट भी अविनाशी है। तो पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। इसलिए शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा समझेंगे तो 84 जन्मों का पार्ट बुद्धि में खुलेगा। देहभान में रहेंगे तो देह का कनेक्शन एक जन्म से है, तो आत्मा का पार्ट बुद्धि में खुलेगा नहीं। बाप तो सर्वशक्तिमान है, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। शक्ति को बल कहा जाता है, ज्ञान बल भी कहा जाता है। ज्ञान बल आता है तो योग बल आता है। ज्ञान जानकारी पहचान नहीं होगी तो याद भी नहीं आवेगी। तो योग से शक्ति जास्ती मिलती है, ज्ञान से इतनी शक्ति नहीं मिलती। जान करके पहचान करके जब याद करते हैं तो शक्ति जास्ती मिलती है। उस शक्ति से ही तुम पावन बनते हो। योग बल की पावर से, स्नेह बल से, प्यार के बल से तुम पावन बनते हो। बाप तुमको शक्ति देते हैं विश्व पर राज्य करने की। इतनी शक्ति भरते हैं, नंबर वार बच्चे विश्व के मालिक बनते हैं। इतनी महान शक्ति देते हैं वो। साइंस घमंडी इतना सब बनाते रहते हैं किसके लिए? रॉकेट बनाएंगे, बॉम्ब बनाएंगे, किसके लिए बनाते हैं? विनाश करने के लिए। उनकी बुद्धि है विनाश के लिए, वो डिस्ट्रक्शन के लिए है उनकी बुद्धि, और तुम्हारी बुद्धि है बनाने के लिए। नई दुनिया तुम बनाने के लिए बुद्धि यूज करते हो, और वो बुद्धि किस लिए यूज करते हैं? दुनिया का विनाश करने के लिए। तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए, तो फायदे में कौन रहता है? बनाने वाला फायदे में रहेगा या बिगाड़ने वाला फायदे में रहेगा? बनाने वाला फायदे में रहता है। तुमको बहुत शक्ति मिलती है जिससे तुम सारे विश्व पर राज्य चलाते हो। वहां प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य नहीं होता, राजा का राज्य होता है। ये राजाई की ताकत कौन देता है? बाप ही आकर के देते हैं। आज की दुनिया में तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य हो गया है। प्रजा के राज्य में कोई ताकत
ताकत नहीं होती है, वहां है ही राजा रानी का राज्य और ऊंचे ऊंचे भगवान है, याद भी उनको ही करते हैं। लक्ष्मी नारायण को तो सिर्फ मंदिर बना करके पूजते हैं, लक्ष्मी नारायण को पूजा करेंगे, कौन से लक्ष्मी नारायण की, सतयुग के लक्ष्मी नारायण भी पूजे जाते हैं, लेकिन वो भगवान भगवती नहीं कहे जाते। जो संगमयुग में लक्ष्मी नारायण बनते हैं वो भगवान भगवती कहे जाते हैं, उनसे ऊंच कोई होता नहीं, वो विश्व के मालिक हैं। अभी तुम समझते हो कि लक्ष्मी नारायण भी विश्व के मालिक थे, यह लक्ष्मी नारायण भी और वह लक्ष्मी नारायण भी, वो कहां के मालिक थे, वो सतयुग के मालिक थे और यह विश्व के मालिक थे। ऊंचते ऊंच विश्व की बादशाह ही मिलती है। वेद के बाप से तुमको कितना ऊंच पद मिलता है, तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, जिससे कुछ मिलता है उनको याद किया जाता है, जिससे कुछ मिलता ही नहीं उसको कोई थोड़ा ही याद करेंगे। कन्या को पति से क्या मिलता है, क्या माँ बाप से खान पान जेवर आदि नहीं मिलता, माँ बाप से भी ये सब मिलता है, फिर पति को इतना क्यों याद करती है। पति से सिर्फ मिलता ही है जहर, कितना पति की पिछाड़ी प्राण देती है, कितना लव रहता है और देता क्या है, जहर। यह तो पतियों का पति तुमको कितना श्रृंगार कर रही है, तुमको राजा का ऊंच पद देने के लिए श्रृंगारते हैं, तो तुम बच्चों में कितना नशा होना चाहिए, दैवी गुण भी तुमको यहाँ पर ही धारण कर रहे हैं, बहुतों में आसुरी गुण है, लड़ना झगड़ना रूठना सेंटर्स पर धमचक्कर मचाना, ये सब आसुरी गुण है। इन आसुरी गुणों वाले ऊंच पद पाए नहीं सकेंगे, फिर कौन सा पद पाएंगे, सेंटर पर रहते हैं, बाबा के बने हैं, सरेंडर हुए हैं, फिर लड़ना झगड़ना रूठना धमचक्कर मचाना करते रहते हैं, तो ऊंचे पद पाए नहीं सकेंगे, तो क्या पाएंगे, दास दासी पद पाएंगे। बाबा जानते हैं कि बहुत डिसर्विस करने वाले भी अभी यहां बैठे हुए, अपने अपने घरों में भी तो सर्विस डिसर्विस करते हैं कि नहीं करते हैं, अपने घरों में अगर कोहराम मच जाए, ज्ञान में चलते हैं और जिस घर में रहते हैं वहां अशांति फैलती रहे, तो सर्विस करते हैं डिसर्विस करते हैं, तो भी कहेंगे डिसर्विस करने वाले, घर में रहकर के कोहराम मचावेंगे तो घर वाले क्या समझेंगे, इनको भगवान मिला है क्या, ये ज्ञान उठाते हैं कि अज्ञानी है, ऐसी डिस्टर्बेंस करने वाले अभी यहां बैठे हुए हैं, बाबा के पास बहुत रिपोर्ट्स आती हैं। काम महाशत्रु है तो कोई क्रोध भी कम शत्रु नहीं है, फलाने पर प्यार है तो मेरे पर क्यों नहीं है, बस आया क्रोध, फलानी बात उनसे पूछती है तो मेरे से क्यों नहीं पूछती, बस आया क्रोध। ऐसे ऐसे बोलने वाले धुंधकारी भी हैं। राजधानी स्थापन होती है, ऐसे ऐसे लोग क्या पद पावेंगे, मर्तबे में तो फर्क रहता है, मैतर भी देखो कोई तो अच्छे अच्छे महलों में रहते हैं, कोई फिर देखो कहां झोपड़ियों में रहे पड़े हैं, कौन से मेहतर अच्छे अच्छे महलों में रहते होंगे, महाराजा
सेना के परिवार का बेहतर होगा तो झोपड़ी में रहता होगा क्या? हरेक को अपना पुरुषार्थ करके दैवी गुण तो बहुत अच्छे धारण कर ले, सब नंबर वार है। देह अभिमान में आने पर आसुरी एक्टिविटीज होती है, जब देही अभिमानी बनकर के अच्छी रीति धारण करते रहे तो ऊंच पद पावे। पुरुषार्थ ऐसे करना है दैवी गुण धारण करने का, किनको भी दुख नहीं देना है। तुम बच्चे दुखरता सुखरता बाप के बच्चे हो, कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। ब्राह्मणी जो सेंटर संभालती है उस पर तो बहुत ही जिम्मेवारी है। जैसे बाप कहते हैं कि बच्चे कोई भी भूल होती है तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है, क्या जो बच्चे कोई भूल करते हैं तो उन पर 100 गुना दंड चढ़ता है, और ब्राह्मणी अगर भूल करती है तो ब्राह्मणी तो और ही पढ़ाने वाली है, पढ़ाने वाले ही अगर भूल करें तो उन पर कितना दंड चढ़ता है, 1000 गुना दंड चढ़ता है। देह अभिमान होने से बहुत घाटा पड़ जाता है किसको, जो ब्राह्मणी टीचर बनकर के बैठती है। जबकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हुए हो तो सुधारने वालों से तो कोई भूल नहीं होनी चाहिए। अगर खुद ही नहीं सुधरे हैं तो औरों को क्या सुधारेंगे, बहुत नुकसान हो जाता है। पांडव गवर्नमेंट है ना, ऊंचते ऊंच बाप है, उनके साथ फिर धर्मराज भी है। धर्मराज और बाप ये एक ही है या अलग अलग है? ऊंचते ऊंच बाप है या ऊंचते ऊंच धर्मराज है? बाप ऊंचते ऊंच है, फिर उनके साथ धर्मराज है, तो वो कौन है? धारणाओं का राजा भी है। ऐसी धारणाएं धारण करके दिखाई होंगी जो बाबा कहते हैं किसको फॉलो करना है, ब्रह्मा को फॉलो करना है, बात मेरी मानना है। तो धर्मराज द्वारा बहुत सजा खाते हैं, क्यों? ब्रह्मा की आत्मा धर्मराज के रूप में सजा खिलाने के निमित्त क्यों बनती है? बाप तो प्यार का सागर है, वो तो सजा नहीं देता, लेकिन साथ में अपने किसको रखता है? धर्मराज मेरा राइट हैंड है, धर्मराज को साथ में रखते हैं सजा दिलाने के लिए। तो धर्मराज जो मेरा राइट हैंड है वो बहुत सजा देते हैं, उनको ही निमित्त क्यों बनाया? खुद ही धर्मराज बन जाता, इसलिए निमित्त बनाया कि जितना उस आत्मा ने सहन किया, सहन करने का पुरुषार्थ किया, उतना और किसी ने सहन करने का पुरुषार्थ नहीं किया। कैसे कैसे बच्चे यज्ञ में होते हैं, हर धर्म की आत्मा इस यज्ञ में आई हुई पड़ी है। बड़े से बड़े कांटे देखना हो तो यहाँ देखो, और बड़े से बड़े फूल देखना हो तो यहाँ देखो, बड़े से बड़े पापात्मा देखना हो तो यहाँ देखो, बड़े से बड़े पुण्यात्मा देखना हो तो यहाँ देखो। अनेक धर्मों की ऐसी ऐसी पापात्माओं को भी गोद में रख करके उनकी पालना की, उनको कभी टेढ़ी नजर से नहीं देखा।
दुर्वचन नहीं कहे। कोई भी पुराने से पुराना ब्राह्मण ये नहीं कह सकता कि ब्रह्मा बाबा ने हमको कभी दुख दिया। दुख देने वालों को भी उन्होंने सुखी ही दिए। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्मा जो इतना सहन शक्ति का पार्ट बजाती है, उस आत्मा के साथ जिन्होंने 100 गुना 1000 गुना पाप कर्म का बोझा चढ़ाई लिया, हिसाब किताब बनाई लिया, उल्टा काम करके, भूले करके, डिसरिगार्ड करके, वो आत्मा तो शरीर छोड़ के चली गई। अब हिसाब किताब कैसे पूरा होगा? जो 100 गुना 1000 गुना दंड चढ़ गया आत्माओं के ऊपर, वो पूरा कैसे होगा? होगा या नहीं होगा? ये अगले कल्प में होगा नहीं, यही लास्ट जन्म है। तो वो आत्मा कोई ना कोई ब्राह्मण चोले में फिर प्रवेश करती है, और प्रवेश करके फिर धर्मराज का पार्ट हो जाता है। तो धर्मराज द्वारा बहुत सजा खाते हैं, ब्राह्मणी बनकर अगर खुद ऐसे ऐसे कर्म करती है, भूले करती है, तो बहुत घाटा पड़ जाता है, हिसाब ही हिसाब बन जाता है। बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है, ऐसे नहीं कि बाबा भूल जाते हैं। बाबा के पास जैसे धर्मराज के लिए कहते हैं चौपड़ा होता है कर्मों का, कहते भी हैं कि अब तो भगवान ही तुम्हारा हिसाब लेंगे। यहां बाप खुद कह रहे हैं धर्मराज बहुत हिसाब किताब लेगा, फिर उस समय तुम क्या कर सकेंगे? डंडे खाते रहेंगे, क्या होगा? जेल में तो थोड़ी मार पड़ती है, तो धर्मराज की तो बहुत मार पड़ती है, यहां तो बहुत मार खानी पड़ेगी। शास्त्रों में कथाएं भी हैं, ताम्रध्वज मोरध्वज की कथा, आरे से लकड़ी काटने का आरा होता है ना, आरे से चीरा गया, ऐसे ऐसी कथाएं लिखी हुई है। इस समय के साथ ही उस कथा का कनेक्शन है, तो बच्चों को सतयुग में गर्भ जेल में आना नहीं है, वहां गर्भ जेल नहीं होती है, वहां तो होता है गर्भ महल, गर्भ में भी सुखी रहते हो, कोई पाप आदि नहीं करते। तो राजभाग पाने के लिए बच्चों को बहुत खबरदार होना है। उनतीस 667 की वाणी का दूसरा पेज। ब्राह्मणी को कहीं भी बेकायदे चलन देखो कि ब्राह्मणी ईश्वरीय कायदे के बरखिलाफ काम करती है, तो झट बाबा को रिपोर्ट लिखना चाहिए, और न लिखे तो ब्राह्मणी के स्टूडेंट जो होते हैं पक्के स्टूडेंट ब्राह्मणी से बहुत प्यार करते हैं, तो ब्राह्मणी की रिपोर्ट लिखेंगे नहीं लिखेंगे?
फिर नुकसान क्या होगा? कोई ने पाप देखा और बाबा को नहीं बताया, तो पाप का बोझा देखने वाले के ऊपर भी चढ़ जाता है। तो बाप कहते हैं फौरन लिखना चाहिए, बाबा शिक्षा देंगे तो समझेगी कि मैं नुकसान करती हूं। बहुतों को डिस्टर्ब कर देती है। ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं, बाबा बताते हैं, कई बच्चे ब्राह्मण से भी अच्छे हो जाते हैं। ब्राह्मणी से भी जास्ती होशियार हो जाते हैं, उनकी तकदीर ब्राह्मण से भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। ये भी बाबा ने समझाया है, जन्म जन्मांतर दास दासियों के दास दासियां बनने से तो अच्छा है कि प्रजापद में अच्छा पद पावे, क्योंकि प्रजा भी नंबरवार होती है, साहूकार प्रजा फर्स्ट क्लास प्रजा कही जाती है, उनके भी दास दासियां होते हैं, जैसे राजशाही ठाट से रहते हैं। तो समझ ले कि हम ब्राह्मणी होकर अच्छी सर्विस नहीं करेंगी तो जन्म जन्मांतर हम दास दासी बनेगी, ऐसे नहीं कि हाँ बाबा ने ब्राह्मणी को इसलिए रखा है कि राजा ही बैठकर करे, इसलिए रखा है। बाबा इस दुनिया में किस लिए आया हुआ है? बाबा खुद कहते हैं बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, और ब्राह्मणी क्या बन करके बैठ जाती है? राजा बन करके बैठ जाती है। समझ ले बे कि हम ब्राह्मणी होकर के अच्छी सर्विस नहीं करेंगी तो जन्म जन्मांतर हमको दास दासी बनना पड़ेगा। यहां कोई भी ब्राह्मणों का राज्य नहीं है, कोई को राजाई पर नहीं बैठना है हुकुम चलाने के लिए, उसे काम लेना है तो रिक्वेस्ट करना चाहिए, ऑर्डर ऑर्डर नहीं चलाना चाहिए। अगर खुद ही सर्विस नहीं करती है तो बहुत दुर्गति होती है। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है, इसलिए बाबा यहाँ आने पर कहते हैं अपन को अपना आत्मा समझो, बाप की बच्चों प्रति डायरेक्शन है कि बच्चे आत्माभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना है, घूमते फिरते विचार सागर मंथन करते रहना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं कि कहीं जल्दी जल्दी इस नरक से चीसी दुनिया से जावे सुखधाम में। बाप कहते हैं अच्छे अच्छे महारथी भी योग में बहुत फेल है, उनको भी तागीद की जाती है योग नहीं अगर होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे, नॉलेज तो बहुत सहज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बड़ी तीखी है, परंतु बाप से योग नहीं है, दैवी गुण है ही नहीं। तो कब कब ख्याल होता है, अभी तो देखो क्या क्या अवस्थाएं हैं बच्चों की, दुनिया में कितना दुख फैल रहा है, जल्दी ही ये पुरानी दुनिया खत्म हो जावे, जल्दी हम सब चले सुखधाम, कितना बच्चे तड़पते रहते हैं, जैसे बाप से मिलने के लिए तड़पते हैं,
क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं, ऐसे बाप को देखने के लिए कितनी तड़पती है। समझते हैं कि ऐसे बाप के सन्मुख हम रोज जाकर के मुरली सुने, परंतु बंधन में। अब ये तो समझते हो कि यहां पर कोई झंझट की बात नहीं है। जरगस में तो कितना झंझट रहता है, बाहर दुनिया में रहने पर तो सबसे तोड़ निभानी पड़ती है। अगर तोड़ ना निभावे तो बहुत खिटपिट हो जावे। इसलिए सबको धैर्य देते रहते हैं, ये दुनिया गई कि गई। गवर्नमेंट किसको भी उड़ाने में देरी नहीं करती है। शास्त्रों में भी है कि कृष्ण को भी जेल में डाल दिया, क्योंकि पतितों को पावन बनाते थे। ये पुरानी तामसी गवर्नमेंट है ना, कौन सी है? कृष्ण को जेल में डाला तो कौन सी गवर्नमेंट थी? राजसी गवर्नमेंट थी या तामसी गवर्नमेंट थी? तामसी गवर्नमेंट द्वापर में होती है या कलयुग में होती है? कलयुग की बात है। उन्होंने फिर द्वापर में डाल दिया है कृष्ण को, द्वापर की तो बात ही नहीं है। पुरानी गवर्नमेंट है इसलिए जेल में भी डाल दिया। तो तुम बच्चों को बहुत संभाल से चलना होता है, बड़ी युक्ति से राजधानी स्थापन करनी है। रावण राज्य में तो बहुत युक्ति चाहिए, इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। याद की मेहनत है, और ये याद कोई से भी ठीक रीति पहुंचती नहीं है। गुप्त याद में रहे तो बाप के डायरेक्शन पर भी चले, गुप्त याद में रहते नहीं है ना। गुप्त याद क्या होती है? याद किसकी आती है? हैं? जिसे स्नेह मिलता है, जिसे प्यार मिलता है, जो सुख देता है, उसकी उसकी याद आती है। तो बाप की भी बच्चों को याद आती है, याद आती है, लेकिन वो याद गुप्त होनी चाहिए। अपनी खुशी दूसरों को बतानी नहीं चाहिए। तुम्हारा नाम ही है गोप गोपी है, तो बड़ी युक्ति से चलना है। अगर युक्ति से नहीं चलेंगे फुलफुलहाट में आ जाएंगे। तो दुनिया टेढ़ी नजर से देखेगी, संभाल करनी होती है। याद की बड़ी भारी मेहनत है। गुप्त याद में रहें तो बाप के डायरेक्शन पर सदैव चलते रहेंगे। देह अभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर चलते ही नहीं। कहता हूं चार्ट बनाओ तो बहुत तरक्की हो जाएगी, लेकिन ये कहा किसने? शिव बाबा। टीचर काम देते हैं तो करके आते हैं। यहाँ अच्छे अच्छे बच्चे को भी माया करने नहीं देती है। अच्छे अच्छे बच्चों का अगर चार्ट बाबा के पास जावे तो बाबा बतावे। देखो कैसे कैसे याद में रहते हैं, समझते हैं कि हम आत्मा आशिक हैं एक मासूक की। बाप कहते हैं वो जिस्मानी आशिक मासूक तो अनेक प्रकार के होते हैं, और तुम तो बहुत पुराने आशिक हो।
63 जन्म की आशिक हो, अभी तो तुमको देही अभिमानी बनना है। इसके लिए कुछ न कुछ सहन करना पड़ेगा। मियां मिट्ठू नहीं बनना है, बाबा ऐसे थोड़े कहते हैं कि तुम हड्डी हड्डी हमें दे दो। बाबा तो कहते हैं अपनी सेहत भी अच्छी रखो, सेहत अच्छी रखेंगे तो सर्विस भी कर सकेंगे। शरीर की हड्डियों में ही रोग लगा होगा तो सर्विस नहीं कर सकेंगे, बीमार होंगे तो सदैव पड़े रहेंगे, अपनी ही सेवा दूसरों से लेते रहेंगे। कोई हॉस्पिटल में भी समझाने की कोशिश करते हैं तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि ये तो बड़ा विचित्र मरीज है। मरीज होकर चित्रों को साथ में लेकर आता है हॉस्पिटल में। जो ऐसे ऐसे सर्विस करते हैं उनको कहेंगे रहम दिल। सर्विस करते हैं तो कोई ना कोई निकल पड़ते हैं। जितना जितना याद बल में रहेंगे उतना मनुष्यों को तुम खींचते रहेंगे। क्या कौन से बच्चे कशिश करेंगे, किन बच्चों की दुनिया वालों को कशिश होगी? जो बाप की याद में रहेंगे उनकी कशिश दुनिया वालों को होती रहेगी। इसलिए नाम क्या पड़ता है, उनकी कशिश होती है उनका नाम क्या पड़ता है। भक्ति मार्ग में खास करके भारत में किसको बहुत याद करते हैं? नहीं, कृष्ण को याद करते हैं। कृष्ण का मतलब ही खींचने वाला। क्या कृष्ण का जो रूप है वो बहुत खींचने वाला रूप है, तो जरूर कृष्ण ने इतना याद किया होगा। किसको? बाप को याद किया होगा। प्योरिटी की फर्स्ट क्लास ताकत है, याद से ही प्योरिटी आती है। कहा भी जाता है पहले प्योरिटी पीस फिर बाद में प्रॉस्पेरिटी। याद के बल से तुम प्योर होते जाओगे। जितना जितना बुद्धि पवित्र होती जाएगी उतना उतना बुद्धि में ज्ञान का बल भरता जाएगा। याद में कमजोर मत बनो, और इस याद में ही माया के विघ्न पड़ते हैं। याद में रहने पर ही पवित्र भी बनेंगे और दैवी गुण भी आते जाएंगे। जो याद में रहने वाले होंगे उनमें ज्ञान स्वतः ही इमर्ज हो जाएगा, देवताई गुण भी इमर्ज हो जाएंगे। क्या तो मुख्य हुई याद। बाप की महिमा तो जानते हो ना, बाप कितना सुख देते हैं 21 जन्मों के लिए, तुमको सुख के लायक बनाते हैं। तो कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। दुख देना यह है आसुरी गुण, और कोई को सुख देना यह है देवताई गुण। देवता किस लिए कहा जाता है? देता है। क्या देता है? सुख देता है तो देवता, दुख देता है तो दैत्य। दुख नहीं देना चाहिए। संकट पर भी देह अभिमान में आकर के बहुत धमचक्कर मचा देते हैं। बाप के घर में रह करके इतना धमचक्कर मचाते हैं, डिससर्विस करते हैं। 26-67 की वाणी का 30 रखे बाप कहेंगे ये तो बहुत तंग करते हैं, कितने कपूत बच्चे हैं। इसमें कोई श्राप आदि की बात नहीं है, श्राप तो वो अपने आप को आपे ही देते हैं जो धमचक्कर मचाते हैं, डिससर्विस करके एकदम पट्ट में पड़ जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो विकारों से गिर पड़ते हैं और क्रोध में आकर के पढ़ाई छोड़ देते हैं। अनेक प्रकार के बच्चे यहां बैठे हैं,
यहां से रिफ्रेश होकर के जाते हैं, भूल करते हैं तो बाद में पश्चाताप करते हैं। फिर भी पश्चाताप करने से कोई माफ नहीं हो सकता। बाप कहते हैं क्षमा अपने आप पर आप ही करो, याद में रहेंगे तो क्षमा होगी। बाप तो किसी को क्षमा नहीं करते, क्या कोई पाप कर्म करे और क्षमा मांग ले तो ऐसे क्षमा हो जाएगी क्या? वो साधु लोग आज बहुत गपोड़े मारते हैं। बाबा तो फट से कहते हैं कि ये तो पढ़ाई है, जो पढ़ाई पढ़ेंगे वो उच्च पद पावेंगे। यहाँ तो देखो बाप पढ़ाते हैं बच्चों को, अपने पर कृपा करके पढ़ना है, मैनर्स अच्छे रखने हैं। बाबा ब्राह्मणी को भी कहते हैं रजिस्टर लेकर के आओ और एक एक बच्चे का समाचार सुनो। समझाने दी जाती है ऐसे ऐसे तुम डिसर्विस करते हो तो समझते हैं कि ब्राह्मणी ने रिपोर्ट दी है। ब्राह्मणी ने बाबा से हमारी शिकायत की है तो और ही जास्ती फिर भूले करने लग पड़ते हैं, डिसर्विस करने लग पड़ते हैं। कितनी मेहनत लगती है, माया बड़ी दुश्मन है। बंदर से मंदिर लायक बनेंगे ही नहीं, बनना ही नहीं चाहते हैं, माया बनने ही नहीं देती है। बंदर के बंदर ही रह जाते हैं, ऊंच पाने के बदले बिल्कुल ही नीचे गिर जाते हैं। फिर ऐसे नीचे गिरने वालों के नीचे गिरने के संस्कार पड़ जाते हैं, उठे ही नहीं सकते, मर जाते हैं। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं कि ये बड़ी ऊंची मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है कोई कम बात है क्या? बड़े आदमी बच्चे तो बहुत रॉयल्टी से चलते हैं, तुम भी तो बड़े आदमी के बच्चे हो ना, रॉयल्टी से चलते हैं, कहीं बाप की इज्जत न चली जाए, कहेंगे तुम्हारा बाप कितना अच्छा है, बाप इतना अच्छा और तुम इतने कपूत, तुम अपने बाप की इज्जत नहीं रखते हो, इज्जत गवाए रहे हो। यहां तो हरेक अपनी इज्जत अपने आप ही गवाते हैं, बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। पाप कर्म करते हैं तो बहुत कड़ी सजाएं खा खा करके फिर रोटी टुकड़ मानी मिलेगा आखिरी जन्म में, ऊंच पद मिलेगा, वो भी जितना जितना ऊंच कर्म किया होगा उतना ही मिलेगा, वो भी फिर कल्प कल्प के लिए हो जाता है। पिछाड़ी में तुमको साफ साक्षात्कार होगा, पिछाड़ी में कयामत के समय में सबका हिसाब किताब चुकतु होता है। क्या लास्ट टाइम में सबके हिसाब किताब चुकतु होते जाएंगे, फिर तुम देखेंगे कि क्या क्या होता रहता है, फिर बहुत जार जार रोना पड़ेगा। बाप समझाते हैं अब भी नहीं सुधरेंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी, पिछाड़ी में तो सजाओं का भी साक्षात्कार होगा, सजा खा करके फिर वापस जावेंगे, कयामत का समय है ना। बाबा वार्निंग देते हैं बड़े खबरदार होकर के चलो, जेल बर्ड्स नहीं बनना है। जेल बर्ड्स क्या होती है? जेल की जो चिड़िया होती है ना, जो जेल में घोंसला बनाती है तो जेल के अंदर ही रहती है। ऐसे ही बहुत से ऐसे होते हैं बार बार पाप कर्म करते हैं, बार बार जेल में जाते हैं, उन्हें बाहर की दुनिया में अच्छा ही नहीं लगता,
जेल में आकर ही उनको सुख मिलता है। जेल वर्ष भी यहाँ होते हैं, सचमुच में तो कोई भी जेल नहीं होती, फिर भी पढ़कर तुम उच्च पद पाना चाहिए। गफलत नहीं करो, किसको भी दुख मत दो, याद की यात्रा पर रहो। कोई अगर दुख देता है तो क्या करो है? कोई दुख देता है तो याद की यात्रा में रहो, दुख देने वाले के बदले में उसको दुख देना, उलट सुलट बोलना शुरू ना करो। याद ही कामयाबी, प्रदर्शनी में भी मनुष्य बात यही बात समझा है, बात की याद से पावन बनना है। पावन बनना तो सब चाहते हैं, ये है ही पति दुनिया। भ्रष्टाचारी तो सब है, शिष्टाचारी तो एक भी नहीं है। सबकी सदगति करने वाला तो एक ही बाप है, क्राइस्ट बुद्ध आदि कोई की भी सदगति नहीं कर सकते, उनकी भी सदगति करने वाला एक ही बाप है। फिर बाबा ब्रह्मा का भी नाम लेते हैं, ये ब्रह्मा भी कोई की सदगति नहीं कर सकते, ब्रह्मा को भी सदगति दाता नहीं कहेंगे, फिर किसको कहेंगे है? प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के जब सदगुरु का पाठ बजाते हैं तो सबकी सदगति होती है। देवी देवता धर्म है तो देवी देवता धर्म का निमित्त भी कोई होगा, बल देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा करते हैं है? फिर भी नाम तो है ना, क्या क्या नाम है? देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए कौन निमित्त बनते हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर, नाम तो है ना, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, कहा भक्ति मार्ग में कह देते हैं ब्रह्मा की तीन मूर्तियां, ये भी फाउंडेशन कहां पड़ता है? कैसे तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या समझते हैं कि ब्रह्मा ही विष्णु बनता है और ब्रह्मा की आत्मा ही शंकर का पाठ बजाती है। लेकिन तीन मूर्तियां हैं तो तीनों के कार्य अलग अलग है, मूर्ति भी अलग अलग है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, बाप कहते हैं, ये भी गुरु नहीं है, जगत गुरु एक ही है जो ऊंचे से ऊंचे तबके में दिखाया जाता है, उनके द्वारा ही तुम रूहानी गुरु बनते हो। बाकी तो है धर्म स्थापक, धर्म स्थापक को सदगति दाता कैसे कह सकते हैं? ये बड़ी डीप बातें हैं जो और कोई की बुद्धि में समझ में नहीं आती है। ओम शांति।